Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. I am Bhumika. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 12, The Moody Earth. इससे रिलेटेड मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ. एक बच्चा था जो अहमदाबाद में रह रहा था. रात को सोते समय अचानक से उसका बेड बेड हिलने लगा और उसके मम्मी पापा ने उसे फटाफट से उसके दादी के घर वो गया हुआ था, उन्होंने उसे उठाया और बोला कि आप बाहर चलो. उसने कहा, मम्मी ये ऐसा क्या हो रहा है, मेरा बेड क्यों हिल रहा है, क्या हो गया और आप मुझे बाहर जाने को क्यों कह रहे हो? तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये अर्थक्वेक है, आपकी जो अर्थ है उसके अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिल रही हैं, इसलिए धरती भी जोर से शेक कर रही है और जब ऐसा होता है तो हमें अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए, घर से बाहर निकल जाना चाहिए. ठीक है बच्चों, उसके पापा उसे बाहर लेकर चले गए. अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. बेटा अभी हम अपने लेसन में इसी से रिलेटेड, ये क्या है बेटा, नेचुरल डिजास्टर, इन्हीं डिजास्टर्स के बारे में हम अपने लेसन में पढ़ेंगे. एक बच्ची थी नेहा, उसके पापा ने जल्दी से उसे बोला, नेहा बेटा जल्दी से इधर आओ, देखो न्यूज चैनल पे क्या आ रहा है, देखो फटाफट जल्दी आओ. वो नेहा भागती भागती आती है और क्या देखती है, ओ पापा बोलिए क्या हो रहा है. उसके पापा कहते हैं, बेटा देखो डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज जो है वो गुजरात में भी आई है. उसने कहा, पापा क्या हुआ? भुज में जो है पापा एक अर्थक्वेक आया है, वहां पर क्या हो गया है पापा, बहुत सारे लोग 20,000 लोग मर गए हैं और उनके जो 80,000 लोग हैं, 8,00,000 लोग हैं, उनके घर टूट गए हैं. उसके पापा बोले कि बेटा आपके गुजरात में इतना जोर से भूकंप आया है, इतने जोर से झटके आए हैं कि ऐसा हो गया है, इतने लोग मर गए हैं और 8,00,000 लोगों के घर टूट गए हैं. एकदम से क्या होता है, जो नेहा होती है वो हैरान हो जाती है, वो कहती है पापा गुजरात में भुज में आया है, ऐसा कैसे पता लगता है, वहां कैसे आ गया ये? उसके पापा ने कहा कि बेटा कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वहां पर जो है भूकंप के झटके ज्यादा आते हैं. उसने कहा, पापा पहले तो ये बताओ भूकंप होता क्या है? उसके पापा ने बताया कि बेटा जो हमारी अर्थ होती है उसके अंदर क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, नीचे प्लेट्स दी हुई है, जब वो प्लेट्स धीरे धीरे एक के ऊपर एक जाती है, मूव करती है, तो उस टाइम हमारी धरती क्या करती है, शेक करती है. क्या करती है बच्चों, शेक करती है. अब उसके पापा ने बताया कि बेटा कुछ हमारे जो ये है, जो आपके एरियाज हैं वो सस्मिक जोन है. सस्मिक जोन का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रोन अर्थक्वेक के, बहुत ज्यादा एरियाज है, प्रोन एरियाज है जहां पर ज्यादातर अर्थक्वेक आता रहता है. तो उनके नाम उन्होंने बताए, हिमालयाज इन इंडिया, एज ऑफ पैसिफिक, सेंटर ऑफ अटलांटिक, जापान. ठीक है, ये सारे एरियाज क्या है जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है. ठीक है, ये प्रोन एरियाज है. अब अगर अर्थक्वेक आया है तो कैसे आया, कितना आया, आपको पता है कुछ? बेटा जब अर्थक्वेक शुरू होता है तो उसके ऊपर वाले पॉइंट जहां से वो शुरू हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फोकस. क्या बोलते हैं, फोकस. अगर आपका अर्थक्वेक यहां से शुरू हुआ तो ये क्या बन गया, फोकस. क्या बन गया बेटा, फोकस. और फोकस के डायरेक्ट ऊपर का पॉइंट, अगर ये फोकस है, यहां से अर्थक्वेक शुरू हुआ है तो इसके डायरेक्ट ऊपर का पॉइंट जो है ये क्या हुआ बेटा हमारा, जहां हमारा अर्थक्वेक आया, फोकस के ऊपर क्या होता है, एपिसेंटर. क्या होता है, एपिसेंटर. जहां से हमारा क्या शुरू हुआ था, अर्थक्वेक, वो क्या है हमारा, फोकस. जिस पॉइंट से शुरू हुआ वो हुआ फोकस, और फोकस के ऊपर डायरेक्ट पॉइंट जो है वो क्या है आपका, एपिसेंटर. क्लियर बच्चों, अर्थक्वेक क्या होता है, कहां से शुरू होता है, प्रोन एरियाज आपको समझ में आ गए. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. बेटा इसको नापने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक तो है राइचर स्केल, एक है सिस्मोग्राफ. सिस्मोग्राफ जो है बेटा वो ये बताता है कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए आया है, मींस 2 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए आया है. और जो आपका राइचर स्केल है वो ये बताता है कितने फोर्स से आया है, मतलब कितनी जोर का भूकंप था, कितनी जोर के झटके थे, वो किससे पता चला हमें, राइचर स्केल से. ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल कैलामिटी है वाटर फ्यूरी. क्या है बेटा, वाटर फ्यूरी. बेटा आपके रूप में दिए एक पार्वती नाम की लेडी थी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के नियर रहती थी, और अचानक से उन्होंने क्या देखा कि पानी जो है, पानी की जो लहरें हैं वो काफी ऊंचाई तक आ रही हैं. मतलब उन्हें लगा कि अब पानी में क्या है,
तेज बाढ़ आने वाली है, पानी बाहर निकलकर आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, अपने आसपास के एरिया में जितने भी लोग थे उन सबको अलर्ट किया कि पानी की जो लहरें हैं, नदियां, नदियों की, समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं और अब जो है क्या आने वाला है, बाढ़ आने वाली है। तो आप सभी लोग अपनी जगह को खाली कर दीजिए और कहाँ पहुंच जाइए, सुरक्षित जगह पर पहुंच जाइए। आप सभी जानते हैं जब हमारा समुद्र होता है वहां पर क्या है, अगर तेज लहरें उठने लग जाए, लहरें बाहर की तरफ आए, तेजी से आए, तो वो किसी को भी बहाकर साथ ले जाती हैं। तो जब लहरों का बहाव तेज था तो पार्वती ने क्या किया, अपने आसपास के रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट कर दिया कि अभी यहाँ पर क्या आने वाला है, फ्लड आने वाला है और आप सभी लोग क्या करो, यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। जब वो लोग वहां शिफ्ट हो गए अपने घरों को छोड़कर, तो आपको पता है कि ना तो वहां खाने को मिलता है, अगर मैं कहूँ किसी का घर पानी में बह गया, सामान वामान तो हम साथ नहीं ले जा सकते, तो वहां क्या होगा, खाने की कमी आएगी। अब जब खाना नहीं है तो उसने क्या करा, पैकेट्स में लोगों के यहाँ से, गवर्नमेंट की हेल्प से और जो आपके हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो मदद करने वाले लोग होते हैं, उन सबको बोला कि हाँ ये फ्लड आने वाला है और मैंने यहाँ से लोगों को हटा दिया है, अब इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। तो पार्वती ने क्या किया, वहां से खाने के पैकेट्स लिए और उनको वो भी सर्व किए। अब वहां खाने के पैकेट तो पहुंच गए लेकिन पानी क्या हो गया, कंटामिनेटेड। जब बाढ़ आ गई तो पानी पीने को थोड़े मिल रहा है साफ पानी, जो भी पानी था वो गंदा था। अब लोगों ने गंदा पानी पिया तो क्या हुआ, कंटामिनेटेड यानी गंदा पानी, उससे क्या होने, बीमारियां होगी, टाइफाइड, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलेरा हो गया। आप सभी जानते हो ये सब वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जो कि पानी की गंदगी के कारण होती है। अब आपके कुछ एरियाज है जहां पर ये फ्लड आता है, कुछ फ्लड प्रोन एरिया, जैसे हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था क्या अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, वैसे ही फ्लड एरियाज भी हैं जो कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा फ्लड आता है, उन एरियाज का नाम देख लेते हैं बच्चों। प्रोन एरियाज यूपी है, बिहार है, क्या है बेटा, यूपी, बिहार, यहाँ पर क्या है बेटा, ज्यादातर फ्लड्स आते रहते हैं और वेस्ट बंगाल में भी आते रहते हैं, ठीक है, ये तीन एरियाज प्रोन है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हाउ आर फ्लड्स कॉज्ड। अब आपको ये तो पता चल गया कि फ्लड आती है, लेकिन फ्लड आती कैसे, हाउ, कैसे। आपको पता है बेटा नदी है, नदी के ऊपर हमने डैम बनाया, ठीक है, अब उस डैम के टूटने से क्या होगा, सारा पानी एकदम से आ जाएगा और फ्लड आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पर भी ले सकते हैं, एक छोटा सा बैलून, एक छोटी सी पेंसिल रख लो और तेज बाल्टी से पानी मारो, क्या होगा, वो पेंसिल उसके साथ बह जाएगी। सेम वे हमारी कंडीशन होती है, जब पानी यानी ऊपर से बहुत तेज इकट्ठी एक्सेस में आता है तो हम भी बह जाते हैं, तो यही होता है फ्लड। ये कैसे हुआ, डैम टूटने से। दूसरा कारण क्या है, ऊपर जो माउंटेन्स हैं वहां से क्या होता है बेटा, आपकी जो स्नो है वो पिघल जाती है, उससे भी फ्लड आता है। तीसरा कारण क्या होता है बेटा आपका, कई बार पानी बहुत तेज और बारिश ज्यादा आने से भी क्या होता है, फ्लड आ जाता है। तो आपको ये तीनों कारण समझ में आ गए, फ्लड कैसे आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, द जायंट वेव्स। जायंट वेव्स का मतलब होता है बेटा बहुत ही बड़ी भयंकर वाली जो वो होती है लहरें, उनका आना, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं बेटा एक बच्चे की, टिली स्मिथ की। किसकी बात कर रहे हैं, टिली स्मिथ की, जो कि 10 साल का बच्चा था, सुरी में रहता था इंग्लैंड में, और उसकी जगह का नाम भी दिया हुआ है माओ खेत, ठीक है, माए खाओ में और फुकेट में रहता था वो, ठीक है। उसने बेटा अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ वहां रहता था। अब उसने क्या देखा कि पानी की जो लहरें हैं, जो सी है, वो स्वेल कर रहा है, मीन्स ऊपर की तरफ उठ रहा है बहुत तेज तेज, एकदम ऐसे जैसे उछाल आने वाला हो उसके अंदर। तो उसकी दीदी ने कहा कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ सुनामी आने वाली है, क्योंकि पानी के अंदर क्या है, बवंडर बन रहे। उसकी दीदी ने अपनी एसएस के टीचर को थैंक्स किया, क्योंकि उसके एसएस के टीचर ने समझाया था कि जब पानी में बवंडर गोल 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 बनने लग गए हैं, वहां पर पानी बहुत तेजी से उठ रहा है, क्या होता है सुनामी बेटा, पानी के अंदर भूकंप, एक धरती के अंदर भूकंप, एक पानी के अंदर भूकंप, उसे हम बोलते हैं सुनामी। उसकी बहन को समझ में आ गया कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सुनामी आने वाली है। उसने आसपास के जितने भी लोग थे उनको इन्फॉर्म किया और क्या कहा कि आप सभी लोग अपनी जगह बदल लो, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाली है, सुनामी आने वाली है। उसकी सिस्टर ने और उसके माता पिता ने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट किया और उन्हें बाहर निकाल लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक जो हमारे एरियाज है जहां पर ये सुनामी आती है, प्रोन एरियाज है, वो है बेटा हमारे जापान, चाइना, श्रीलंका,
ठीक है, ये सारे जो है इनमें क्या है प्रोन एरिया से यहाँ पर फ्लड सबसे ज्यादा आता है। कहाँ पर? जापान की आपने बात सुनी होगी हमेशा, जापान में, चाइना में, और कौन है बेटा? श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है बेटा, इन जगहों पर क्या है बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं। फ्लड मीन्स, हम फ्लड की बात, फ्लड का मीन्स बेटा है सुनामी की बात करें। फ्लड तो हम पहले कर चुके हैं, सुनामी। ये जो एरियाज है ये सुनामी के लिए प्रोन एरियाज है, यहाँ पर सुनामी ज्यादा आती है। कहां पर बेटा? जापान में, चाइना में और श्रीलंका में। ठीक है, ये प्रोन एरियाज है हमारे सुनामी के। सुनामी मीन्स भूकंप, पानी के अंदर जो तेज भूकंप होता है, जिससे तेज हलचल होती है, वो पानी एकदम से घूम के बाहर आता है, उससे क्या बोलते हैं हम? सुनामी। ठीक है, और बेटा पैसिफिक सुनामी वार्निंग इन होनोलुलु। पैसिफिक ओशन में आपकी सुनामी आती है, उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमने क्या कर रखा है बेटा? एक वार्निंग सेंटर बना रखा है होनोलुलु में। वो जो है कंट्रोल करता रहता है, नजर रखता है कि पैसिफिक ओशन में कहीं कोई क्या नहीं हो रही, सुनामी की हलचल तो नहीं हो रही, कहीं कोई सुनामी तो नहीं आने वाली। वो उसको कंट्रोल रखता है, उस पर हमेशा नजर रखता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करेंगे। एक बार हम इसको जो है क्या कर लेते हैं बेटा, रिवाइज कर लेते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। हमने इसमें पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज के बारे में पढ़ा है बेटा, अलग अलग तरह की जो भी हमारी क्या है नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में, जो कि भुज में आया था। उसके बाद हमने पढ़ा है बेटा वाटरफोरी यानी कि आपके फ्लड के बारे में। और थर्ड हमने पढ़ा है बेटा जाइंट वेव्स यानी सुनामी के बारे में। ये तीनों पॉइंट हमने कंक्लूड कर दिए हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।